बिजेपुर उपनिर्वाचन आज प्रार्थीपत्र दाखल करते कांग्रेस प्रार्थी प्रणय साहू पद्मपुर उपजिलापाल ऑफिस रे रिटर्निंग ऑफिसर निकट से नामांकन पत्र दाखल करते कांग्रेस पक्ष पद्मपुर व्यापक आयोजन किया कि समय पूर्व पद्मपुर आरएमसी गोरुहाट पड़िया दलय नेता और कर्मी को एक सभा पर सभास्थल बाहरी शोभा दलय नेता और हजार हजार कर्मी गहन में कांग्रेस प्रार्थी प्रणय साहू पद्मपुर उपजिलापाल ऑफिस अभिमुखे जाते प्रणय नामांकन दाखल आयोजित शोभायात्रा पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन राज्य सह प्रभारी शुभंकर सरकार विधायक नव दास पूर्वतन केन्द्रमंत्री श्रीकांत जेना हेमानंद विश्वाल तारा बाहिनीपति प्रदीप माझी प्रमुख सामिल होते संपर्क अधिक सूचना अच्छा सहित समलपुर ब्यूरो चीफ संजय जेना अच्छा जी के बिजेपुर अच्छा संजय पाक जावाक चाहिए संजय आपण बिजेपुर देखा बिजेपुर निर्वाचन जो उष्मता मापापी पद्मपुर पहुंची जाइंट संजय जानकु चाहबू गेरुआ सगुआ रंग में बिजेपी बिजेपुर लगि सारी अर्थात बिजेडी और बिजेपी प्रार्थी नामांकन दाखल और शक्ति प्रदर्शन आम देखी सारी आज थी हाथ रवारी मैंने कहींपर हाथ आज तार दंभ देखाई प्रणय साहू नामांकन पत्र दाखल करते शोभा कांग्रेस हेवी वेट नेता सामिल होगा या सबको आप किभली देखुंत आज बिजेपुर संजय देखो से ही प्रसंग मुझे जावा पूर्व प्रथम आज जो रही था निर्धारित समय अपराह्न तीन टा सुधा नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया शेष होती आम सहित उपजिलापाल अच्छा प्रतिक्रिया ना मोटे केत प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करते सर जहाँ रही है निर्धारित समय तीन टा रही अपराह्न तीन टा रही केत प्रार्थी प्रार्थीपत्र दाखल करते समुदाय 17 जन प्रार्थीपत्र दाखल करते 9 जन निर्दलीय बाकी 8 जन दलय प्रार्थी आसंता काली होची आमर स्क्रुटिनी एवं 9 तारीख दिन अपराह्न 3टा पर्यंत से माने प्रार्थी प्रत्याहृत करेंगे चूड़ांत तालिका आम घोषणा कर चूड़ांत तालिका घोषणा कर 9 तारीख दिन हाँ फेब्रुआरी 9 प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही है हाँ निश्चित भाव में बहुत आम पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन तरफ विस्तृत भाव में अरेंजमेंट कर बहुत शांति श्रृंखला सहित आम नॉमिनेशन प्रक्रिया सरी जाए धन्यवाद आप आज शुणुते नामांकन जो नॉमिनेशन प्रक्रिया रही है शांतिपूर्ण भाव सरी जहाँ उपजिला सूचना देते तेज आज कार्यक्रम विषय जब कह कांग्रेस पक्षर आज जो प्रार्थी नाम शेष दिन में नामांकन पत्र दाखल करते या पूर्व कांग्रेस प्रार्थी को खूब कम समय मिलता नामांकन पत्र दाखल करने जो अल्प समय रही है तेणु बीजेपी और बीजेडी जेहेतु से पूर्वर नामा प्रार्थीपत्र प्रार्थी किए हम घोषणा सरी तेणुता पर्याप्त समय रही है जे कि प्रार्थी हम बोली तेणु से प्रस्तुति करते कि कांग्रेस जेहेतु मात्र गोटे दिन व्यवधान रही है तेणु प्रकृत में राली केत लोक समागम हम से एक प्रकार सन्देह सृष्टि कि आज देखा जो बहु संख्यार दलय कर्मी और समर्थक घटनास्थल में पहुंची आरएमसी गोरुहाट पड़िया समस्ते पहुँचला साधारण सभा होता सेठे कांग्रेस हेवीवेट मैंने रही है पीसीसी सभापति रही है शुभंकर सरकार रही है जयदेव जेना रही है श्रीकांत जेना रही है युव नेता हिसाब से प्रदीप माझी रही है समस्ते एक विशाल पटुआ सहर परिक्रम करते आसी पहुँचे और विधिवत हिसाब से नामांकन पत्र दाखल करते तेज ये सब गुरुत्वपूर्ण कथा आज जहाँ प्रार्थी प्रतिक्रिया कहते वर्तमान जो फाइट हम बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस भितर एवं यदि बीजेडी कथा कह बीजेडी और कांग्रेस कथा कह प्रसाद हरिचंदन कहते जे रीता साहू दिवंगत नेता बीजेपुर रही कांग्रेस दुर्ग रही है कांग्रेस गड़ रही है सुबल साहूर लोकप्रियता रही है तृणमूल स्तर से कम करते पत्नी जेहतु बर्तमान बीजेडी रे से स्टैंड करते बीजेडी टिकट लड़ुं तेणु सिंपाथी भोट कथा कहुची जेहेतु कांग्रेस थे सुबल साहू तेणु तक सपक्ष जो जनमत तेणु प्रार्थी जे ठिया होती तेणु प्रणय साहू सपक्ष जनमत जीव से संजय जानकु चाहिए रमन सिंह ओल्लैबे प्रचार मैदान को रमन सिंह सहित आउ चार केन्द्रीय नेता अर्थात हेवी वेट आसबे बिजेपुर मैदान को या बिजेपुर राजनीति के सरगरम रही देखु ये गोटे टर्निंग पॉइंट और सब दल पर गोटे एसिड टेस्ट बिजेपुर उपनिर्वाचन एक साधारण निर्वाचन नुहे और जेहेतु सब दल पर जातीय दल बीजेपी कांग्रेस एवं आंचलिक दल हिसाब से बीजेडी समस्त ये निर्वाचन खूब गुरुत्व बहन करती कारण आसंता 2019 निर्वाचन हुए तो यही निर्वाचन गोटे टर्निंग पॉइंट कहुपे समस्त एसिड टेस्ट तेणु समस्त चाहते कौन प्रकार कौन सुजोग को हाथ छड़ा करा चाहूना प्राणपणे कलबले सब कौशल प्रयोग करा चाहते भोटर मन जिणापी तेणु
ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲଠୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜେପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ସେମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରଣକୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା, ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କେଉଁ ଦଳ କ'ଣ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଜେପୁର ଆସନ କିଏ ଜିତିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। 28 ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ସଞ୍ଜୟ, ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଇଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅସାଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଦଳଗୁଡ଼ିକ, କାହିଁକିନା ଫୋକସ୍ ଏବେ ତିନି ଦଳର ବିଜେପୁରରେ, କାହିଁକିନା ଇଏ କୁହାଯାଉଛି ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ, ଏଠି ଅଙ୍କ କଷାକଷି ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଜିତିବ ତାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଏଭଳି ଅଙ୍କ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଚାର ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ବିଜେପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।